मुझ मंगलमय सर्व समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं संत पब्लिक स्कूल में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। स्कूल विद्यालय विद्या का मंदिर। जब हम मंदिर जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, भक्ति और प्रेम के साथ वहां जाते हैं। और मंदिर आदमी जाता है पूजा उपासना करने के लिए। पूजा उपासना करने से मन में प्रसन्नता होती है कि हमने अपने इष्ट की याद की, आज हमने अपने इष्ट का भजन किया, पूजन किया। ये विद्या मंदिर है। मंदिर होते हैं वहां किसी महापुरुष की मूर्ति होती है, उस मूर्ति में भावना होती है कि मूर्ति भगवान है और मूर्ति को भगवान मानकर उसकी उपासना की जाती है। यह विद्या मंदिर है, यहां किसी की मूर्ति नहीं है, किंतु मंदिर यह है विद्या का मंदिर। यहां विद्या को उपासना की जाती है और विद्या को उपासना करने का अर्थ होता है प्रसन्न चित्त से समर्पित होकर विद्या का अध्ययन करना। जैसे मंदिर जाते हैं तो एक चित्त होकर उपासना की जाती है, आरती वंदना की जाती है, वैसे ही विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और छात्राएं यदि एक निष्ठ समर्पित होकर विद्या अध्ययन करने लगे तो उनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो आगे चल करके उन्हें खुद महसूस होगा। इसलिए जब जितने बच्चे यहां पढ़ते हैं और यहां जो उपस्थित हैं उन सबसे मेरा यही कहना है कि जब आप घर से चलो यहां आने के लिए तो इस भाव से चलो, इस भाव से घर से निकलो कि मैं विद्या मंदिर में विद्या की उपासना करने जा रहा हूं। फिर वैसे अध्ययन करो। जो अध्यापक हैं वे जब घर पे चले तो ये सोचें कि मैं मंदिर जा रहा हूं और वहां अध्ययन करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये सब मेरे भगवान भगवती हैं, देवी देवता हैं, भगवान मुझे उस रूप में मिलेंगे उपासना करने के लिए और मुझे बड़े प्रेम से और भक्ति भावना के साथ
अपने विद्यार्थियों को विद्याधन कराना है। विद्या का अध्ययन कराना ये आपकी पूजा होगी। और ये समझना होगा, विद्या धन कराते हैं, आप काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, कम ज्यादा जहां भी जाते हो, कोई पूछे आपको, जो जितने भी अध्यापक हैं उनके लिए मेरा निवेदन है, जब आपको भी पूछे कोई अपरिचित कि आप क्या काम करते हो, आपका पैसा क्या है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि मैं विद्या उपासना करता हूं और मेरा पैसा है अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना। क्योंकि जो आप विद्यार्थी पढ़ा रहे हो, इन्हीं में से कोई विद्यार्थी आगे चलकर अध्यापक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई शासक प्रशासक बनेगा, चाहे कोई भी हो, कोई बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, चाहे बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, आईएएस आईपीएस अफसर हो, वैज्ञानिक हो, आपके हाथ से होकर गुजरा है और गुजरेगा। इसलिए मैं प्राध्यापकों को राष्ट्र निर्माता कहता हूं। हमें कोई गुरु न मिले होते, किसी गुरु ने हमें अक्षर ज्ञान न कराया होता, तो आज हमारी जो समझ है, बुद्धि में कुछ विकास है, ये कभी संभव नहीं हो पाता। इसलिए उन गुरुओं का, जिन गुरुओं ने हमें अक्षर ज्ञान कराया, हमारे जीवन में बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। वो न मिले होते तो हमें बोलना भी तो नहीं आता। इसलिए विद्यार्थियों को समझना है कि मैं मंदिर में विद्या उपासना करने के लिए जा रहा हूं और वहां मन लगाकर पढ़ना, उस विद्या की देवी की उपासना भक्ति है। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। और अध्यापक ये पढ़ाएं मैं कि मैं राष्ट्र निर्माण कर रहा हूं, ये मेरी उपासना है, फिर आपको जो संतोष होगा आप उसे व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जमाना बदला है, काफी कुछ विकृतियां आई है, लेकिन अच्छाइयां भी है। या छोटे बड़े जितने भी विद्यार्थी हैं, वे समझे, जानते भी हैं, जैसे हमें कोई एक बड़ा मजबूत मकान बनाना है, तो सब मकान बनाने के पहले सबसे पहले नींव डाल जाती है, एक फाउंडेशन तैयार करना होता है। और सब जानते हैं कि नींव जितनी कमजोर होगी मकान उतना ही कमजोर होगा, भूकंप का एक हल्का सा झटका वो मकान सह नहीं पाएगा। इसलिए मकान को मजबूत और टिकाऊ बनाना है तो नींव को मजबूत बनाना होगा। नींव मजबूत मकान मजबूत, नींव कमजोर
मकान कमजोर। जितने विद्यार्थी हैं ये समझ लें कि अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे जीवन की नींव डाल रहे हैं, और जितना मन लगाकर पढ़ाई करोगे अच्छे नंबर से पास होगे, तुम्हारे जीवन की नींव उतनी मजबूत होगी और जीवन का भवन उतना मजबूत होगा। और यदि इस समय पढ़ाई में मन नहीं लगाए, यहां वहां की बातों में समय बर्बाद कर दे, तो समझना तुम अपने जीवन की नींव को अपने हाथों से कमजोर कर रहे हो और अपने उन्नति के मार्ग में तुम स्वयं एक बाधा उत्पन्न कर रहे हो। पहले भी ऐसे बच्चे होते थे जो घर से निकलते तो थे विद्यालय आने के लिए, लेकिन इतना आकर के बाग बगीचों में घूमते थे, अब तो खत्म हो गया। आजकल बच्चों के बिगड़ने के लिए एक बहुत बढ़िया साधन है, आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आ गए हैं मोबाइल, और वो भी एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। साधारण मोबाइल से मतलब नहीं, यद्यपि मोबाइल इतने काम की चीज है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इस मोबाइल से हम प्राप्त कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया, और इसके सहारे हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप तुम लो उसके संबंध में सारी सूचनाएं अच्छी तरह से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आगे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मोबाइल के सहारे खूब आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी बहुत कम, दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गलत से गलत सूचना भी इसमें है। जो सूचनाएं हमारे जीवन को बिल्कुल खाई में ढकेल सकती हैं, जीवन का बर्बाद कर सकती सूचनाएं भी, और कोई रोक टोक तो है नहीं, ये कौन क्या देख रहा है। इसीलिए विद्यार्थियों को सावधान रहना है, मोबाइल का प्रयोग करो लेकिन बड़ी सावधानी के साथ। अभी कच्ची उम्र है, समझ भी कच्ची है, अपरिपक्व समझ, और ये उम्र ऐसी उम्र होती है चाहे तो इसमें जीवन को बना ले चाहे तो बिगाड़ ले। विद्यार्थियों से मेरा एक कहना और है, बच्चे तो रहोगे नहीं, बड़े होगे, आगे चल करके अन्य क्षेत्रों में जाओगे, तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं अभिभावक माता पिता जो भी, उनके प्रति तुम वैसा ही अभी से व्यवहार करो, अपने मन वैसा बनाओ जो तुम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उससे अपने लिए चाहते हो, क्योंकि दुनिया ऐसी है जो हम देते हैं वही हमें लौट करके मिलता है। इस पूरी प्रकृति में कारण कार्य की एक व्यवस्था है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, वो
क्रोध करती है, उन्हें क्षमा करती है, क्योंकि व्यवस्था बेजान व्यवस्था है। हम और आप मनुष्य, हमें जानने समझने का गुण है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हम जानते हैं समझते हैं। हम किसी पर क्रोध भी कर सकते हैं उसकी गलती के लिए, और किसी उसकी गलती के लिए क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें भावना है, हमारे पास मन है। लेकिन प्रकृति मन नहीं है तो भावना नहीं है, उसमें समझ नहीं है। जैसे तुम आग में हाथ डालो, एक छोटा सा छोटा नासमझ बच्चा आग में हाथ डाले, एक बूढ़ा आग में हाथ डाले, एक जवान आग में हाथ डाले, एक साधु हाथ आग में हाथ डाले, आग सबको जलाएगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं, उसको जाने समझने के गुण ही नहीं है कि बच्चा है कि बूढ़ा है कि साधु है कि स्त्री है कि पुरुष है, उसका काम है जलाना। ये नियम है उसका, और ये जो नियम है आग का ऑटोमेटिक नियम है, स्वचालित नियम है, इतने किसी ने डाला नहीं। हमें ये समझना होगा, ऐसे पूरी प्रकृति में एक नियम है, उसी नियम को ऋग्वेद की भाषा में रीत कहा गया है। जो लोग वेद पढ़े होंगे वे जानते होंगे ऋग्वेद में बार बार रीत की चर्चा तैरने की, और रीत का अर्थ क्या है, मुख्य दो वर्ग। मानव जगत में सदाचार के नियम और प्रकृति जगत में उसके अपने नियम। हम कहीं भी जाए, चाहे अपने घर में रहे, चाहे घर से बाहर निकल करके और लोगों से मिले जुले, चाहे कहीं काम करते हैं किसी विद्यालय में, दफ्तर में, कारखाना में या दुकान में या कहीं भी काम करते हैं, वहां कुछ ऐसा व्यवहार करें, वहां के जो नियम है हृदय से पालन करें, कि व्यवहार का पालन करते हुए काम करते हुए करने के बाद हमारे मन में पश्चाताप न हो कि मैंने आज गलत किया, अब दूसरों को तकलीफ न हो, ऐसा अपना व्यवहार रखना है, ऐसे कर्म करना, अपने कर्तव्य का ऐसा पालन करना है कि पालन करने पश्चात हमारे मन में पूरा पूरा संतोष हो कि जो मुझे करना चाहिए था वह मैंने ईमानदारी के साथ किया है, और दूसरों को एक अच्छी प्रेरणा मिले, एक अच्छा आदर्श मिले, उसके मन में प्रसन्नता हो। ये नियम पालन है, और ऐसा करना ही मानो ईश्वर की पूजा करना है। मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा कर लेना बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब कुछ भी कहो, मंदिर का भगवान आपको रोके टोकेगा नहीं, और वहां तो आप सरल होते ही हो, क्योंकि भगवान को प्रार्थना करने के लिए गए। तो मंदिर के भगवान को आप अपने घर में क्यों नहीं देखते, माता पिता में, सास ससुर में, पति में, पत्नी में, बेटा में, बहू में, भाई में, भाभी में, भतीजे में, पड़ोसियों में क्यों नहीं देखते? जब कण कण में है तो उनमें भी होगा। उनकी पूजा है, उनके साथ अच्छा से अच्छा व्यवहार। मैंने कहा था कि जो हम देंगे वो लौट कर मिलेगा, अपने आप, चाहो तो बनना चाहो तो।
ऐसा करके देखो। अभी मैंने कहा था कि अपने लिए जो चाहते हो वो अपने से जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें देना शुरू करो, तो आपको वो चीज अपने आप मिलती चली जाएगी आगे चल करके। अब बाहर मानस जगत में कहे या प्रकृति जगत में, प्रकृति के जो नियम हैं, उन नियमों को समझो। आपके नियम, पानी के नियम या अन्य जो भी नियम हैं, जितना समझ सकते हो, और समझते कि हर जगह नियम पूर्वक आप हर वक्त का नियम पूर्वक प्रयोग करो, तो ये ईश्वर की आराधना हो। हमेशा नियम फिर नियम, यही इसी नियम को ऋग्वेद में भी कहा गया है, और ऋग्वेद का यही भी आगे चल करके ईश्वर को रूप धारण करता है। इस विषय को यदि आप लोग समझना चाहें तो डॉक्टर राधाकृष्णन का भारतीय दर्पण पर करके देखें, अन्य और भी दर्शन भी हो सके हैं, उनमें काफी विस्तार से बातें और बताइए। और नियम से चलोगे, भीतर से तो आप संतुष्ट और प्रसन्न रहोगे, निर्भय रहोगे, उतना उतना आपकी समाज में प्रशंसा भी होती होगी, सम्मान भी होगा, और एक अच्छे आदर समाज का निर्माण होगा। ऋग्वेद के एक मंत्र है संबंध में, मधु वाता रितायते मधु छरन्ति सिन्धवः माधुरीण संतोष जी। ये ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र है कुल मिलाकर, उनमें लगभग 2,000 मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र उस मंत्र को कहा जाता है जिस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। ये गायत्री मंत्र आप लोगों को याद है, यही अकेला गायत्री मंत्र नहीं दी गई, वह 2,000 गायत्री मंत्र। मैं कह रहा था मधु वाता रितायते मधु चरन्ति सिन्धवः माधुरीण संतोष जी, जो ऋग के पद पर चलता है उसके लिए हवाएं मधु होती है, नदियां मधु बहाती हैं और वनस्पतियां मधु बरसाती है। मतलब नियम है करने वालों के लिए पूरी प्रकृति मधु वर्धिनी अमृत वर्धिनी बन जाती है। बात मैंने यहां से शुरू की थी, हमें अपने बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है। कभी कभी होता यह है हमारे जो अभिभावक है, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, सास ससुर हो, गुरु हो या अन्य और हो, जब किसी काम के लिए हमें रोकते और टोकते हैं तो अच्छा नहीं लगता, गुस्सा भी आता। लेकिन बच्चों ये समझना होगा, हमारे अभिभावक हमें जो किसी काम के लिए रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो उसमें हमारी ही भलाई छिपी हुई है, क्योंकि हमारे अभिभावक कभी भी हमारे लिए गलत सोच नहीं सकते और हमारे लिए गलत करेंगे नहीं। और कभी मान लो वो समझ नहीं पाता तो विनम्रता से निवेदन करके उन्हें बात समझाई जा सकती है। तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर आदमी सुख से जीना चाहता है, और आगे उन्नति कर
करना चाहता है। और ये गलत नहीं, परंतु सुख से जीना कहां होगा, कैसे सुख से आप जी सकते हैं, उन्नति कैसे करेंगे, ये सोचना होगा ना। केवल पैसा से सुख नहीं मिलता है, पैसे से आपको सुविधाएं मिलेगी, महंगी महंगी वस्तुएं खरीद सकते हो, बहुत बड़ा मकान बना सकते हो, मतलब आज की जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं, वो तो इकट्ठे कर सकते हो, किंतु पैसे से सुख खरीद लोगे तो सुखी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। वास्तव में सुख कहां, सुख है मन के संतोष में, अच्छे विचार में, अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्म, अच्छे आचरण में। जिसके विचार सुंदर होंगे, जिसके आचार सुंदर होंगे, कर्म सब सुंदर होंगे, वो आदमी अंदर से निर्भय रहेगा, और निर्भयता में ही सुख है। डरा हुआ आदमी सुखी नहीं हो सकता, जब किसी भी बात के लिए डरा हुआ हुआ आदमी तो सुखी नहीं हो सकता। निर्भय आदमी सुखी, निर्भय होने के लिए मैंने कहा कि अपने कर्म व्यवहार आचरण और अपने विचार इस सब को से ही रखना होगा। विचार जब सही नहीं होते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के भ्रम आ जाते हैं। समाज में तमाम प्रकार के भ्रम है, मैंने कहा समय बहुत थोड़ा है, लेकिन बच्चों इतना याद रखना, भूत प्रेत कहीं नहीं होते, केवल कल्पना है। बड़े से बड़ा महात्मा भी कहता हो, किसी धर्मग्रंथ में लिखा हो भूत प्रेत होता है, तो झूठ है। निवेदन है ऐसे कोई बड़े बड़े महात्मा हो तो लाकर भूत प्रेत दिखला तो दे, समझता जमाना बहुत बीत चुका है। जब मैं घर छोड़ करके गुरु जी के शरण में आया था तो उसमें मेरी उम्र लगभग 19 साल का, 19 साल पूरा नहीं हुआ, 18 साल की उम्र थी जब मैं गुरु जी के पास आया था। उस समय ये 74 की बात है, 1974 की बात, तो आज के दिल्ली और ये सड़क और ये सब ये कहां समय थे, देहातों में कुछ ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि गर्मी के दिन में हम शमशान में जाकर के सोए, कोई भूत नहीं मिला, अब तो वहां भूत मिल जाता है ही नहीं, तो मिलेगा कहा। इसलिए भूत में चक्कर में ना पड़ना, जादू टोना के चक्कर में भी मत पड़ना, किसी चमत्कार के भ्रम में मत पड़ना। चमत्कार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जितने चमत्कार दिखाने वाले लोग होते हैं ना, उनके हाथ की सफाई होती है, वस्त्र की सफाई होती है, और रासायनिक जो चीजें होती है, तमाम कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके मिश्रण से कुछ का कुछ लोग दिखाते हैं। उदाहरण मैंने दिया रहा होगा, लेकिन इतने बड़े उदाहरण दे देता हूँ कि कैसे हो जाता है। जब आदमी को कोई परिवार में संकट आ जाता है और संकट लगातार आते गए, कोई बीमार पड़ गया, भैंस मर गए, भैंस बीमार पड़ गई, व्यापार में घाटा हो गया, परिवार की मौत हो गई या कुछ और हो गया, तो आदमी दुखी तो होता है, भयभीत हो, किसी का भी तुम्हारे घर में तो कुछ कर दिए, बैगर के पास जाओगे जो छाने फूकने वाले पास को कहेगा भूत लगा है, पंडित पुरोहित ज्योतिषी के पास जाओगे तो कहेगा कि ग्रह के रहा है, जितने लोग उतने तो क्या तुम गए, तुम्हारे आना तुम्हारे कहा
कोई संकट है तुम्हारे परिवार में, कोई संकट है, बीमार है, व्यापार में घाटा है या कुछ भी है, तो जाओगे समझ जाएगा कि जरूर आपने संकट में है। कहते हैं अगर तुम्हारे यहाँ भूत है कि प्रेत है कि ब्रह्म राक्षस है कि ग्रह टेढ़ा है या किसी ने तुम्हारे घर में कुछ कर दिया है, कोई कोई कुछ करता नहीं, केवल देखते हैं। रास्ता चलते रहते, सुबह सुबह होता है तो लोग रास्ता में नींबू मिर्चा और कुछ ना करते रहते हैं, उसी बार पैर से झड़े गए, तुम्हारे भी कोई जीवित है आज तक, कुछ नहीं होने वाला, कुछ करता नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर भ्रम होता है। गए तो कहते देखो तुम्हारे यहाँ ऐसा पड़ा, पूजा करना पड़ेगा, क्या पूजा करना पड़ेगा, और देखो तुम्हारे घर में जो भी है, भूत है, प्रेत है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, जीव है, चुड़ैल है, ये सबको मंत्र के बल पर पकड़ लेंगे, और पकड़ कर मंत्र के बल पर तुम्हारे सामने हम जला देंगे, धीरे हो जाता, संतोष होता है, वो आए चाहे ज्योतिषी आया, चाहे पंडित पुरोहित आया, कोई चाहे कोई साधु बाबा आया, या खाने घूमने वाले ओझा बैठ जो कहते हैं रोजा रोजा बैगा कहते हैं, फिर लोग आए ढोंग किए, दिखावा किए, पूजा वादी करने का कमरे में घूमे, एक नारियल ले आया झटका वाला और कहा देखो मैं पूजा कर लिया है और तुम्हारे घर में जो भी रहा ग्रह जुड़ैल भूत प्रेत नाम सब तो इसमें पकड़ लिए, और अभी पूजा करके हम मंत्र में पड़ी को जला देंगे, पूजा करने की हाथ भी करता है, मंत्र पढ़ता जाता है, अब देखो तुम्हारा संकट टल जाएगा, हम तुम्हारे भूत प्रेत को जला रहे हैं, पानी लिया हाथ में चुल्लू में, मंत्र पढ़ा और मंत्र पकड़ नारियल में मार दिया, पानी जैसे पड़ा आग लग गई, नारियल जलने लगा और कहा देखो ना अब तुम्हारा ये भूत में जो भी हमें पकड़े तुम्हारा संकट टल गया, लोग समझ लेते हाँ सचमुच में ऐसा हुआ, एक धोखा, न भूत न प्रेत न चुड़ैल न जीव न ब्रह्म तो कुछ नहीं, और ये मंत्र के बल पर नहीं हुआ है, चालाकी से, कैसे चालाकी से हुआ, एक केमिकल आता है सोडियम, तो ऐसा करने वाला जटा को छीड़ करके थोड़ा सा चाकू से अंदर में सोडियम दबा देते हैं, मंत्र करके पानी मारते हैं, तो नियम है सूर्य में जब भी पानी पड़ेगा तो अपने आप आग लगेगी, जब मंत्र पढ़ो तो और ना पढ़ो तो, यदि बड़े बच्चे देख सकते हैं केमिकल दुकान में सूर्य मिल जाएगा, सूर्य पानी मारो कि आग लगेगी, और लोग भ्रम में पड़ जाते हैं अरे कैसे हो गया, इसलिए विज्ञान का जमाना है, साइंस नहीं पढ़ते हो गए तुम लोग, साइंस का नियम क्या कहता है, फिजिक्स का जो नियम है, केमिस्ट्री का जो नियम है, बायोलॉजी का जो नियम है, अन्य और इंजीनियरिंग का जो नियम, वो सब क्या कहते हैं, उन नियमों को समझ लोगे ना तो तुम भ्रम में नहीं पड़ोगे, और जितना तुम्हारे मन का भ्रम कटेगा उतना निर्भय रहोगे, और जितना निर्भय रहोगे भीतर उतना आश्वस्त रहोगे और सुखी रहोगे, पर काम क्या करना है, अच्छी बात, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा देश भारत प्रधान, हमारा जो देश है भारत धर्म प्रधान देश, यहाँ की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ की मिट्टी से हमारे इस शरीर का भरण पोषण हो रहा है, यहाँ के पानी आग हवा से हम सांस ले रहे पी रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, हम सबका ये दायित्व तो बनता है कि हम ऐसा कोई भी काम न करें कि हमारे देश के में रहने वाले किसी भी नागरिक को हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, और हमारे राष्ट्र का जो नियम, हमारे देश का जो नियम है, उन नियमों का उल्लंघन हो,
ये होते हैं मातृभावना, मातृ की मातृभूमि का पूजन, और यही कर सकते हो ईश्वर के पूजन। और इसी के लिए हमें तैयारी करना, कुछ दें, किसी भी दिन पर आता हम अपने राष्ट्र को कुछ दें, क्योंकि हर राष्ट्र से ही है ये धरती, हमें बहुत मिल रहा है, समाज में बहुत मिल रहा है, कुछ हमें लौटाना है और अच्छा लौटाना है। अच्छा लौटाने के लिए हमें करना क्या है, अच्छा बनना है। ये बात तो नहीं सुना होगा, बी गुड डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो। अच्छा बाहर से नहीं बनना है, फैशन से गरीब उसका लाग रही है, अच्छा बनता है आदमी भीतर से, अच्छे कर्म, अच्छे स्वभाव, अच्छे आचरण से। पिछली बार मैंने कहा रहा हो तुम लोगों को, फिर से याद करो, भूल गए होगे। आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, आदमी के चरित्र की पूजा होती है, और आदमी के कैरियर की पूजा नहीं होती, कैरेक्टर की पूजा होती है। इसलिए चित्र, ये चेहरा या ये मकान दुकान ये नहीं, चरित्र के सुंदर बना लो, हम सुखी रहेंगे, अच्छे तरह का निर्माण हमारा हो जाएगा। इसलिए ये जो विद्या के मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से विद्या मंदिर मंदिर में विद्या को उपासना करना है। और विद्या का अर्थ क्या होता है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या क्या है, विद्या वह है, विद्या उसे कहते हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है, गलत कर्मों से, गलत व्यवहार से, गलत आचरण से, गलत खान पान से, अंदर के दुख से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से जो हमें छुटकारा देती है उसका नाम है विद्या, दुखों से छुटकारा। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, शारीरिक दुख तो होता ही है, मानसिक दुखों से जो छुटकारा है, बंधनों से जो आदतों की जो गुलामी है, इसे जो छुटकारा दिला दो विद्या। और सब जानते हो विद्या ददाति विनियम, विद्या का अर्थ होता है विनम्र बनना। जितना विनम्र बनोगे और विनम्र बन करके सुख करके सेवा करोगे, ध्यान करोगे, उतना जीवन ऊपर उठेगा और अच्छे नागरिक कहला सकोगे। तो यहाँ हम सब आए हुए हैं, विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस विद्या के मंदिर में रह करके खूब डर करके विद्या को उपासना करो, खूब डर करके पढ़ो। और अध्यापकों से भी निवेदन यही है कि विद्यार्थियों को एक ऐसा विद्या ऐसी शिक्षा दो, उनके भीतर भीतर एक ऐसा आदर्श भरो कि कहीं भी हो आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी कहीं भी जाए तो गर्व के साथ आपका नाम ले कि अमुक सर ने, अमुक मैडम ने मुझे पढ़ाया था, मेरा जीवन उसी की देन है। तो पढ़ना पढ़ाना और सुनना पढ़ाना सब सार्थक हो जाएगा। सभी को मेरी ओर से, मेरे पास साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, अच्छा बनो, अच्छा करो, अच्छा जियो और शांति के साथ तो जीवन का जीवन को सार्थक बना लो। खूब खूब धन्यवाद और मंगल कामना। माता रहने बैठी हुई है, वो आकर प्रभु जी को गति कर सकते हैं।